पोस्टपोल वायलेंस लेके सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष जो है बंगाल का शुभेंदु अधिकारी जी, वो एक जनस्वार्थ के मैटर करके कलकत्ता हाई कोर्ट के पास आए थे, अप्रोच किए थे कि ये भाजपा का जो कार्यकर्ता लोग है या सपोर्टर लोग जो है, इनके काफ़ी सारे लोगों के ऊपर पोस्टपोल पोल के बाद, मतलब इलेक्शन के बाद काफ़ी अटैक्स हो रहा है, आक्रमण हो रहा है। बहुत इंसान जो है, जो कार्यकर्ता है, वो लोग घर से भाग के भाजपा का जो शेल्टर होम है वहाँ पे शेल्टर ले रहे हैं। तो इसी के दायरान माननीय नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने बोले थे कि सेंट्रल फोर्स जो है, सेंट्रल फोर्स को यहाँ पे बहाल रखने के लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट ऑर्डर्स पास करे, और वो छोड़ के भी और भी सारे प्रेयर्स है, जैसे SC ST कम्युनिटी के जितने लोग है, या फिर हम लोगों का जो वुमेन कम्युनिटी का जो है, उन लोगों को अगर कॉम्पेंसेशन दिया जाए जो लोग इम्पैक्टेड हुआ है, और सबको घर पे लौटाया जाए और सबको प्रोटेक्शन दिया जाए, तो ये सब लेके ही आए थे। तो आज मैटर हुआ, सुनवाई बहुत देर तक हुआ, एंटायर दोपहर तो पूरा ही वही मैटर का सुनवाई हुआ। अभी फिलहाल ये 6:10 तक दी ऑनरेबल कोर्ट आके ऑर्डर आज दिया। ऑर्डर में दिया है कि ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा वैल्यूएबल और कुछ नहीं होता है, और जो इंस्टेंसेस बोला हुआ है, ये इंस्टेंसेस काफ़ी सीरियस है। स्टेट गवर्नमेंट बहुत अपोज किए थे, स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे थे कि नहीं, ये जनस्वार्थ में नहीं है, जनहितार्थ में नहीं है। तो वो सारे ऑब्जेक्शंस को ऑनरेबल कोर्ट रिजेक्ट करके फिलहाल इंटरिम एक अंतर्वर्ती एक निर्देश दिया है कि 21 जून तक सेंट्रल फोर्सेज जैसे है, सेंट्रल फोर्सेज रिटेन रहेंगे। 14 जून तक राज्य को बोला गया है एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट फाइल करने के लिए। वो रिपोर्ट 18 जून को फिर से ऑनरेबल कोर्ट फिर से वो देखेंगे, रिपोर्ट देख के फिर से निर्णय करेंगे कि और भी एक्सटेंशन का ज़्यादा एक्सटेंशन का ज़रूरत है कि नहीं है। देखिए, हमारा क्लाइंट के पास तो अभी भी ये तो कांस्टेंट है, ये खबर आ ही रहा है, तो काफ़ी सारा है, जैसे अटैक और जो घर से बाहर है सब मिला के, तो कुल मिला के अराउंड करीबन 450 से 500 के ऊपर तो हो गई। लेकिन ये फुल, ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है अभी तक, जितना जितना इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ से आ रहे हैं। जी जी, अभी तक फिलहाल वो तो स्टेट इंडिकेट करेगा स्टेट का रिपोर्ट में कि DG क्या स्टेप्स दिया है, तो देखते हैं क्या फाइल करते हैं वो लोग। बिलवदल भट्टाचार्य।